महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण। महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला कल्पवृक्ष है। यह विविध कथा रूपी रत्नों का तथा अज्ञान के अंधकार को विनष्ट करने वाला सूर्य है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय तथा इस महायुद्ध के महानायक भगवान श्री कृष्ण हैं। निशस्त्र होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ही महाभारत के प्रधान योद्धा हैं। इसलिए संपूर्ण महाभारत भगवान वासुदेव के ही नाम, रूप, लीला और धाम का संकीर्तन है। नारायण के नाम से इस ग्रंथ के मंगलाचरण में व्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की ही वंदना की है। महाभारत के आदि पर्व में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर होता है। जब अर्जुन के लक्ष्य वेध करने पर द्रौपदी उनके गले में जयमाला डालती है, तब कौरव पक्ष के लोग तथा अन्य राजा मिलकर द्रौपदी को पाने के लिए युद्ध की योजना बनाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए कहा कि इन लोगों ने द्रौपदी को धर्म पूर्वक प्राप्त किया है, अतः आप लोगों को अकारण उत्तेजित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को धर्म का पक्ष लेते हुए देखकर सभी लोग शांत हो गए और द्रौपदी के साथ पांडव सकुशल अपने निवास पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यहां सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, तो उस समय महात्मा भीष्म ने कहा कि वासुदेव ही इस विश्व के उत्पत्ति एवं प्रलय स्वरूप हैं और इस चराचर जगत का अस्तित्व उन्हीं से है। वासुदेव ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कर्ता और समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, अतएव वे ही प्रथम पूजनीय हैं। भीष्म के इस कथन पर छेदीराज शिशुपाल ने श्री कृष्ण की प्रथम पूजा का विरोध करते हुए उनकी कठोर निंदा की और भीष्म पितामह को भी खरी खोटी सुनाई। भगवान श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक उसकी कठोर बातों को सहते रहे और जब वह सीमा पार करने लगा, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर धड़स से अलग कर दिया। सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और भगवान श्री कृष्ण में समा गया। इस अलौकिक घटना से यह सिद्ध होता है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान के हाथों मरकर वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पांडवों के एकमात्र रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्हीं की कृपा और युक्ति से ही भीमसेन के द्वारा जरासंध मारा गया और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। राजसूय यज्ञ का दिव्य सभागार भी मैदानव ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ही बनाया। द्यूत में पराजित हुए पांडवों की पत्नी द्रौपदी जब भरी सभा में दुर्शासन के द्वारा नग्न की जा रही थी, तब उसकी करुण पुकार सुनकर उस वन माली ने वस्त्रावतार धारण किया। शाक का एक पत्ता खाकर भक्त भयहारी भगवान ने दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा की। युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण शांति दूत बने, किंतु दुर्योधन के अहंकार के कारण युद्ध आरंभ हुआ और राजसूय यज्ञ के अग्रपूज्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। संग्राम भूमि में उन्होंने अर्जुन के माध्यम से विश्व को गीता रूपी दुर्लभ रत्न प्रदान किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महारथियों के दिव्यास्त्रों से उन्होंने पांडवों की रक्षा की। युद्ध का अंत हुआ और युधिष्ठिर का धर्मराज्य स्थापित हुआ। पांडवों का एकमात्र वशंध्र उत्तरा का पुत्र परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मृत उत्पन्न हुआ, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही उसे जीवनदान मिला। अंत में गांधारी के शाप को स्वीकार करके महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण ने उद्दंड यादव कुल के परस्पर गृह युद्ध में संहार के साथ अपनी मानवी लीला का संवरण किया।